हाँ जी, ये बताएं कि मतलब ये सारे मामले में एक तो कसूरवार है इनके वालिद बच्ची के आयशा के, जिन्होंने शुरू में भी कोऑपरेट नहीं किया और आपको सारा इख्तियार दे दिया कि बच्चों के सियास फैब के मालिक आप हैं, ठीक है। तो पुलिस के पास आप गए तो उन्होंने आपको क्या कहा कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं? रिपोर्ट आएगी तब छोड़ेंगे, इसका तो फैसला होगा, अभी नहीं हम तो फैसला कर सकते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल ज्यादती हो रही है। पहला तो बड़ा सदमा यह है कि एक 9 साल बच्ची, छोटी बच्ची को आपने खो दिया, और दूसरा ये कि पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस हमें बिल्कुल ताबून नहीं करी, मैं करी मेरे भाई को छोड़ो, कसूर को ढूंढो, जो जिन्होंने ये जुलम सहम किया उसको नहीं ढूंढ रहा कोई। मैंने कहा मुझे अंदर रख लो, ये बेकसूर लोग इनको छोड़ दो, सब मुझे कह रहे नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे इनको, हम लोग डीएनए का वेट करेंगे, बता कह दे हमें बस। आप भी मामू हैं जी, ये माइक पकड़ लें, क्या सारा वाक्य और किस तरीके से क्या ज्यादती हो रही है? सर पहले दिन से, जिस दिन से लेके अब तक जो सा ना कि हम हॉस्पिटल में जो गए, जो मुदैयत थी, जो मामला हुए हैं, तो हम काफ़ी यानी कि ना सोच में पड़ गए जो वाक्य हमारे पास था। और मुझे, मैं करहाने में काम कर रहा था जिस वक्त मुझे फ़ोन आया, मेरी बहन ने कहा आयशा को पता नहीं क्या हो गया, तो मैं यहाँ सैद मिठे बाजार चिट्टा हॉस्पिटल है यहाँ पर मशहूर, मैं उधर गया। तो अब ये नहीं पता कि बच्ची की हिलाकत उस वक्त हो चुकी थी या न्यू हॉस्पिटल में याद में होगी, लेकिन उन्होंने फिर तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद, आधा पौना घंटा रखने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि आप न्यू हॉस्पिटल बच्चा वार्ड में ले जाएं। अच्छा, वहाँ पर लेके गए हैं तो डॉक्टरों ने, यानी कि वहाँ पर लेके गए हैं तो उन्होंने उसी टाइम कह दिया कि बच्ची की हिलाकत हो चुकी है। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, वहाँ से ही उनको चौकी और डॉक्टर ने फ़ोन किया चौकी में से, ठीक है। उसके बाद वहाँ से पुलिस ने अपनी कार्रवाई की हर किस्म की, फिर लोहारी के अंदर थाना, लोहारी के अंदर वहाँ पर मुदैयत जमीन, तारिक जमील की मुदैयत में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया। और उसके बाद शक और शुभवाद के अंदर मेरी बहन और मेरे भाई को लेके गए ये, और मेरी बहन 4-5 दिन तक उन्होंने वहाँ पर रखा उसे, और मेरा भाई अभी तक तकरीबन 22-23 दिन हो गए अंदर है। तो कोई तशद्दुद भी किया पुलिस ने? जी, मेरे भाई के साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, उसकी हालत बुरी हुई है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है उसको, मार मार के यही कहा जा रहा है कि तू मान, तू मान, जब उसने नहीं किया तो वो कैसे करेगा? ये आपको भाई ने बताया? जी, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, ना उसे सोने भी नहीं दिया जा रहा, उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन तक 6 दिन तक नहीं सोया। अच्छा, सोने भी नहीं दिया जा रहा? सोने भी नहीं दिया जा रहा, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। अब वो उसके, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई पीछे ऐसे मामला तो नहीं है, सबज पगड़ी वाला है वो, माशाल्लाह अल्लाह तौबा करने वाला है, उसकी लाइब्रेरी देखिए आप जाके, माशाल्लाह सबको दीन की दावत देता है, सबको यानी कि अच्छी तरह से ही देता है, उसके जितने दोस्त यानी कि कोई भी ऐसे मामला नहीं है, तो वो क्यों करेगा? और आज से यानी जब से इनकी डिवोर्स हुई है, जब से बल्कि ये शादी, जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं, जब से हमने संभाला है, ये डिवोर्स के बाद की बात नहीं है, हमारी बहन हमारे घर में आती थी, हमारे घर में खाती थी, यहाँ तक इसके मकान के किराए तक हम देते थे अपने पास से। तो वो क्या करते थे इनके हस्बैंड? वो सिर्फ मार पिटाई से मार देना, बच्चों को मारना, तशद्दुद करना इसके ऊपर, फिर हम ये कहते थे कि कभी बहन का घर खराब ना हो, चलो जो भी मामला था शायद अपने आप सुधर जाए, कुछ हो जाए, यानी कि कोई भी मामला हो जाए किसी भी किस्म के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरा भाई छोटा जो अंदर है, एस्ट्रम 22 दिन हो गए जिसे अंदर रखा हुआ है, उसके बाद उसने भी इस चीज़ का एक्शन लिया, इसने मूल जुबानी तलाकें भी दी, लेकिन वो मौलवी है ना, उसने इस बात को पकड़ा और उसने कहा कि तू यानी कि मेरी बहन को यानी कि तलाक पे तलाक दे ही जा रहा है, तेरा हमारा क्या ताल्लुक, तेरा ताल्लुक तो हमारा ख़त्म हो गया है। उसने फिर इस चीज़ पर निशान उठाया कि तलाक हो चुकी है, और ये तलाक दिलवाने वाला यानी कि जो भी मामला था ना, उन्होंने कहा फिर बिल्कुल नहीं, जब पालना हमने बच्चों को पालना है, बहन को पालना है, तो मैंने अपने पास ही रख लेते हैं, फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है। और उसके साथ उसके ज़ाती अख़लाफ़ात थे, उसके ऊपर वो यानी कि ख़ार रखता था कि इसने मेरी तलाक करवाई है, लोगों को ये कहता फिरता था, और इसी शक की बुनियाद के ऊपर पुलिस को भी इन्होंने गुमराह किया, पुलिस को गुमराह करके मेरे भाई बहनों को दोनों को फंसाया आई समझ, और पुलिस भी उसकी गुमराही पे चल गई। पुलिस कैसे गुमराही पे चल गई, सवाल तो ये भी है ना।
क्या उसने पैसा लगाया? आप बताते कि ना कमाता था ना कुछ और। नहीं, पैसे की बात नहीं मैं करता, लेकिन ताल्लुक भी कोई चीज होती है, कोई बंदे को कह देना ये कोई भी ऐसे कोई लेकिन ये अल्लाह जो बेहतर जानता है किसने मारा और किसने नहीं मारा। मतलब आपका कहना है कि आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे लेकिन आपके भाई बेकसूर है। हमारा भाई और हमारी बहन हम गारंटी से कहते हैं बेकसूर है, उनका कोई हाथ नहीं कोई गलती नहीं। अब एक बात बताएं, बचपन शुरू से लेके हमने पाला, हम मेरा क्यों ऐसा, यानी कि उसका कोई ऐसा कोई लड़की के साथ किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, वो तो सबको बहने कहता, माँ बहन के अलावा कोई बात नहीं करता, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, वो क्यों करेगा। मेरी बहन अपनी इनसे ज्यादा प्यार वो करती है, मेरी छोटी बहन वही सारा सामान, और मैंने देखा टप्पी कुंडे इनका अपना जाती पार्लर था, घर में वही रहती थी ज्यादातर। मल्लेदार भी चीज को जानते हैं कि हमने कैसे संभाला कैसे नहीं संभाला। यहाँ के चेयरमैन है चौधरी नजाफत साहब, उन्हें हर मामला का पता है, हर बात का पता है। और जब मरी है टपके गया सातों लोग घर, मेरा भाई छत टपके गया, चार मंजिल ऊपर गया, हम सारों ने देखा है कि ये कुंडी खोलने के लिए आया और आशा को इसने निकाला अंदर से कुंडी खोल के। वो तो अपने घर से रास्ता बंद था, पोड़े के ऊपर को जा नहीं सकता था ना खाला ना मामू। अच्छा, कुंडी अंदर से बंद थी? हाँ जी, बच्ची ने अंदर से बंद कर ली, ऊपर छत पे जाकर ना कमरे से बंद कर ली थी, और छत की कुंडी कभी हमारी बंद नहीं होती थी। अब मेरा भाई मेरी बहन कह रही आयशा आयशा से मसाला ला दो, लेकिन आयशा कुंडी नहीं खोल रही थी। फिर आधा पौना एक घंटा तक मेरी बहन इसने बोलती थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि खेल रही होगी, पहले भी खेलती थी वो, खरगोश के बच्चा नीचे ना भाग जाए। तो आयशा कभी परेशान तो नहीं थी, कोई अपसेट तो नहीं थी वो? दो दिन से आयशा मुझे कहती थी मम्मा मैं बुखार है, मैं बीमार हूँ, मैं जब मदीने में थी हाँ। तो मैंने कहा दवाई ले आना बेटा, ये उसके बाप को उसने फोन किया, पापा मुझे दवाई ला दो, उसके बाप ने 5 रुपए की फक्की ला दी उसको, मुझे डॉक्टर को चेक कराने के उसको फक्की फुकी ला के दे दी, कहती थी मैं लाते हुए दर्द हो रही मेरे ऐसे हो रहा है, ये मुझे आयशा कहती थी। तो मुझे लगा ऐसे बीमार है सही हो जाएगी, मुझे कहा तो उसको मार ही देना है लोगों ने, पता नहीं किसने मार दिया मेरी बच्ची को। बस हम यही बात करना चाहेंगे कि हमें वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंसाफ लेके दें, हमारे साथ जितनी ज़्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, बच्ची हमारी मरी, ऊपर से हमारी बहन भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ ही ज़्यादती की जा रही है, हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची का जो भी कातिल है हमें वो भी चाहिए, लेकिन हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है इसका इंसाफ कौन करेगा हमारे साथ? हम इतने दिनों से परेशान है, पागलों की तरह फिर रहे हैं, हमारा भाई जिनसे अंदर मार खा रहा है, कौन देगा इसका इंसाफ हमें? नाज़रीन, ये तो अपील है जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से की गई है, ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से अपील की गई है कि इनको इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि जिनकी हिदायत पर रैपिड एक्शन हुआ था और इमरान जो है वो सज़ा याफ्ता करार पाया। अब सवाल ये पैदा होता है, ज़ैनब के वालिद भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी गुफ्तगू की है, पहले वो समाप्त कीजिए उसके बाद फिर आगे चलते। हाँ जी, मैं तो इस नज़र से ये देख रहा हूँ कि काश अगर जैनम बेटी के कातल को सरेआम सजाए मौत दी गई होती तो यकीनन मैं समझता हूँ ये वाक़ा आज हमें दोबारा इस सहने का सामना ना करना पड़ता, बल्कि मुल्क के और भी दीगर शहर में ये वाक़ा अभी भी हो रहे हैं, रुके नहीं, ये काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हो जाता अगर जैनम लाभ बन जाता, जिसमें 14 साल के बच्चे बच्चों के लिए ये लाभ बना था कि उसके जो 4 साल से 14 साल के बच्चे बच्चों के साथ इस तरह का जिनसी दहशतगर्दी और ज़्यादती का वाक़ है उनके मुजरमों को सरेआम सजाए मौत दी जाए। तो हमारी तो अभी भी सदा है कि हमारे बच्चे तो चले गए वापस नहीं आना, लेकिन हमारे आप सबकी आने वाले बच्चों को नस्लों को बचाने के लिए खुदा रहा ये जैनब लाग को जल्द से जल्द पास करें ताकि हमारे सबके बच्चे बच्चियाँ महफूज हो सकें और इनके मुजरमों को ऐसे मुजरम को जो ज़्यादती और कत्ल करते हैं बच्चे बच्चों को उनको सरेआम सजाए मौत दी जाए, देकर इबरत बनाया जाए और बाकी लोगों के लिए इबरत हो और वो लोग खौफ खाएं इस तरह के जराम से। यहाँ पर हमारे साथ अंकल मौजूद हैं आयशा के, आयशा जो कि 9 साल की थी और छोटी बच्ची थी, और ये भी नहीं कहा जा सकता जिस तरह से अंदर कुंडी लगी हुई थी और आयशा अंदर थी कि उसने सुसाइड किया हो या वो खुद लटकी हो, ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आयशा अपसेट नहीं थी। ये कौन है, किसने कत्ल किया, और फिर जिस तरह से अभी बताया वालदा ने कि खुद जो है वो इनका जो भाई है वो ऊपर से जाके उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उसी ने निकाला आयशा को बाहर और मोहल्लेदारों ने देखा, तो फिर उस पर क्यों मतलब शक किया जा रहा है? आप क्या कहेंगे, आप यहीं पे मौजूद थे जब ये सारा वाक्य हुआ? माइक इधर, हम यहीं पे मौजूद थे, हमें भी फोन करके बुलाया गया, तो जिस तरह अभी बाबर ने बताया
इसी तरह हमने हमें मालूमात मिली है, हॉस्पिटल गए हैं जाके, वहाँ आधे घंटे तक उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा मैं अस्पताल ले जाए बच्चा वार्ड में, तो हमारी समझ केस किया गया। उसके बाद ये पुलिस के ऐसे सारा कुछ निजाम ऐसे ही चला, और मोहल्ले वालों ने सारा देखा है कि मामू नीचे से ऊपर गया, मोहल्ले वाले मौजूदगी के अंदर से गया ना घर में से, जाके उन्हें बच्ची को देखा, अंदर से कुंडी खोल लिया, दोनों बहन भाई घर में मौजूद थे, तीसरा फर्द कोई नहीं था। तो फिर जो उनकी समझ में आया उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया, हम आए हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उन्होंने कह दिया इसकी डेथ वाक्य हो गई। उसके वालिद को उन्होंने सबसे पहले फ़ोन किया, हमें बाद में किया, वालिद साहब भी आ गए, लेकिन उस वक्त उसका माइंड जो था ना यही था कि कोई ऐसी बात नहीं, तुम फिर दोस्त को तंग मत करो कि वो बाहर गई भी उम्रे की अदायगी के लिए, तो ये एक हादसा है तो इसको उम्रा पूरा करने दो, इसको मत बुलाओ। तो इसकी बहन ने और भाई ने उसे फ़ोन करके कहा कि बाजी आप मत आएँ, हम यहाँ देख लेंगे, मामला सारे संभाल लेंगे, वालिद उसका हमारे साथ है। एक दिन तक तो इनके साथ ही चलता रहा जैसे उन्होंने कहा, अगले दिन इनके ऊपर फिर केस उल्टा ही हो गया सारा निजाम, अल्लाह जाने उन्होंने क्या गेम बनाई क्या नहीं बनाई। वो कहते हैं कि शक इस वजह से हुआ क्योंकि मामू ने रोका कि इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना, वो वालदा ने फोन पे कहा ना अच्छा अच्छा कि इसको रोको जमील को, यानी कि इसे रोको इसके बाप को कि पोस्टमार्टम ना कराए, बच्ची है तो इसका क्या करवा के लेगा, आगे उसमें कुछ नहीं था और ये पोस्टमार्टम कराएंगे तो उसमें बच्ची में क्या रह जाएगा, तो ऐसे ही दफन कर दिया। ये माँ का कहना था, तो जो उसने कहा वो उसके ऊपर उल्टा पुलिस ने रिएक्शन ले लिया कि जी ये क्यों कह रहा है, शायद कोई शक के शुरुआत के ऊपर ना उसको उन्होंने अरेस्ट भी किया हुआ है, उसे मारपीट कर रहे हैं बच्चे को, बच्चा बहुत नीक है इसकी हम मैं भी गारंटी दूंगा, पूरा मोहल्ला गारंटी देगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, तो उसको ये होना चाहिए था कि उसको छोड़ देते, बेशक टेस्ट करते जो मर्जी करते, लेकिन उसको छोड़ते सही तुमने कहाँ जाना है, रहेगा तो घर पर, मामू ऐसा था कोई गैर थोड़ी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या इसके मामला तुम सुलझा रखा, पहले खाला को मारा पीट रखा 5 दिन तक उसे मारा पीटा, उसको ड्रिपें लगी हैं तो वो कहीं बैठे काबिल हो गई बच्ची, अब उसके साथ टॉर्चर बहुत हो रहा है, वो बता रहा है कि मेरे साथ बहुत हो रहा है, तो इतना हो रहा है कि मैं कबूल भी कर लेता हूँ, किसी वक्त कबूल भी कर लेता हूँ तो मारेंगे तो मैं क्या कुछ नहीं कह सकता, मुझे बहुत मारना है, करंट भी लगाया उसको, तो इनके साथ इंसाफ करें बस, हम तो ये कहेंगे इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ऊपर ना मामू ना अपने दोस्तों को ना बुला रहा था है? है? पहले ऊपर सेटअप किया है, पहले तो वो ऊपर पूछने आया था कि क्या हुआ है, खाला कहती कि ना कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ था है, फिर ना खाला ने ना फिर ना मामू छत से टपके गया है, फिर मामू ना अपने दोस्तों को ऊपर से बुला के ना है कहता कि ना चला ये को मारने चले है, खाला को भी ऊपर बुला लिया, खाला जब मैं नाश्ता कर रहा था ना अंडा ब्रेड खा रहा था है, खाला ना मुझे ऊपर छोड़ के चली गई, फिर ना मैंने ना ऊपर देख रहा था सुराख से कि क्या करें, खाला उसके हाथ पकड़ी थी है, फिर मामू का दोस्त एक मामू का दोस्त दो एक दो मामू के दोस्त थे ना हाँ दो दो मामू के दोस्तों ने ना एक दोस्त ने ना उसके पैर पकड़े हुए थे तो हैं हाँ, फिर ना एक दोस्त ने ना उसके पाँव पर गुदगुदी कर रहा था हाँ, फिर आयशा फिर खाला ना आयशा के ना पैर हाथ पकड़ के रख रही थी ताकि वो मार ना सके किसी को।